जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय, जिनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कविवर बिहारी लाल। और ये रीत काल के महान कलाकार माने जाते हैं, रीत काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और इनका जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में नोट्स के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी और आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे और बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका भी सीखते जाओगे। दो फायदे हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा जीवन परिचय ताकि आपको याद हो सके। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में आ चुके हैं, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। पेपर कैसा आएगा 2025 में मैंने आपको बता दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख पाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिहारी लाल का जीवन परिचय 2024 का जो ये पेपर हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2024 का हिंदी विषय का पेपर कोड भी आप देख सकते हैं, 801 HF कोड का पेपर है। और मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर में यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था क्या, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कक्षा 10 के मेरे प्यारे बच्चे हैं, यहाँ पर 6 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप देख पा रहे हैं प्रश्न इसी तरह का आएगा, 3 नंबर आपको मिलेंगे कवि का जीवन परिचय लिखने पर और 2 नंबर आपको मिलेंगे संबंधित कवि की एक रचना का नाम लिखने पर, यानी कुल प्रश्न कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय पूछा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आप चैनल पर देख पाओगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, आप वीडियो देखना चाहें तो चैनल पर मौजूद है। और जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय की वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों नोट्स भी आप बना सकते हैं वीडियो के द्वारा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो मैं आपका अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा, चलिए बढ़ते हैं बिहारी लाल जी के जीवन परिचय की ओर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त परिचय। किसी भी कवि, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले यदि आप संक्षिप्त परिचय लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे पूरे पूरे अंक देंगे। और संक्षिप्त परिचय आप लिखते हैं तो जीवन परिचय लिखने में भी काफी ज्यादा मदद आपको मिलेगी। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ, लिखने का तरीका क्या है, बिहारी लाल आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे और संक्षिप्त परिचय भी आप काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, जन्म आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे, नीले पेन से आपको लिखना है सन 1603 ईस्वी, यानी जितना भी यहाँ पर इस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंट आउट में जितना दूसरे कलर से है ये सब आप काले पेन से लिखेंगे और जितना काले से यहाँ पर प्रिंट है ये सब आप नीले पेन से लिखेंगे। किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन नहीं लानी है, अपने मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं लाना है क्या काले से क्या नीले से लिखना है। तो नोट्स में आप जितना भी इस वीडियो में देख रहे हैं बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जितना भी अन्य कलर से है आप काले पेन से लिखिएगा और जितना
काली इंक से है, ये आप नीले पेन से लिखेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जन्म हुआ सन 1663 ईस्वी नहीं है, सन 1603 ईस्वी है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1603 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था जन्म? कविवर बिहारी लाल जी का बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था, और जो कि ग्वालियर के निकट है। आगे जीवन परिचय में आपको बताऊंगा। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। क्या था इनके पिता का नाम? केशव राय चौबे। और बिहारी लाल को अपने दरबार में आश्रय किसने दिया था? राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी लाल को आश्रय मिला, यानी राजा जयसिंह ने अपने दरबार में कविवर बिहारी लाल को आश्रय दिया था। शिक्षा इनकी ग्वालियर में हुई थी, और इनकी एकमात्र रचना, जिस रचना के कारण ही ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे हैं। और इन 719 दोहों से ही बिहारी लाल को रीतिकाल का बहुत ही महान कवि, बहुत ही प्रसिद्ध कवि, महान कलाकार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इन 719 दोहों में ही गागर में सागर भर दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, सतसैया के दोहरे जो नाबिक के तीर, देखन में छोटे लगो और घाव करे गंभीर। मेरे प्यारे बच्चों, इनके दोहों के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, इनके दोहे देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके दोहों का अर्थ बहुत ही आगे होता है, कहने का तात्पर्य है बहुत ही बढ़ चढ़कर होता है। इनकी भाषा क्या है, किस भाषा में इन्होंने दोहों की रचना की है? ब्रज भाषा में की है। इनकी शैली मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, और मृत्यु कब हो गई? सन 1663 ईस्वी में। तो महत्वपूर्ण ये बिंदु आप जरूर याद रखेंगे, किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखते समय संक्षिप्त परिचय आपको जरूर लिखना है, जैसे जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, पिता या माता का नाम दिया है तो लिखना पड़ेगा, आश्रयदाता राजा जयसिंह का दरबार था, और शिक्षा बिहारी लाल जी की ग्वालियर में हुई, और इनकी रचना बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, जिसके कारण ये रीतकाल के महान कवि माने जाते हैं। ब्रज भाषा में इनके सभी दोहे हैं, और शैली मुक्तक शैली का प्रयोग। मृत्यु कब हो गई? सन 1663 ईस्वी में। अब मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। तो जीवन परिचय आप हेडिंग डालिएगा, काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। जीवन परिचय क्या होगा? इसी संक्षिप्त परिचय के आधार पर ही जीवन परिचय लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, रीतकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म, रीतकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो अन्य कलर से है आप काले पेन से लिखेंगे, जो काले इंक से है इसे आप नीले पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये काले पेन से रहेगा। कब हुआ जन्म इनका? सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। अब आप देख पा रहे हैं, संक्षिप्त परिचय से ही जीवन परिचय लिखा जा सकता है। जैसे जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में। कहाँ? बसुआ गोविंदपुर, जो कि ग्वालियर के निकट है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह मथुरा के चौबे थे, बिहारी लाल मथुरा के चौबे थे, और इनके पिता का नाम केशव राय था। संक्षिप्त परिचय से ही जीवन परिचय बनता चला जा रहा है। यदि आपको संक्षिप्त परिचय आसानी से पता है तो आप ट्रिक से ही, यानी इस संक्षिप्त परिचय से ही मेन मेन बिंदुओं को लिखते हुए जीवन परिचय लिख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय। अभी तक आप देख पा रहे हैं, इसी संक्षिप्त परिचय से ही जीवन परिचय लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, 8 वर्ष की आयु में उनके पिता, यानी इनके पिता होगा यहाँ पर, 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए।
जब बिहारी लाल की उम्र केवल और केवल 8 वर्ष की थी, तभी इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले आए। इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास बिहारी लाल जी के गुरु थे और आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहां से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। अवस्था में बिहारी लाल जी ससुराल में रहने लगे। ससुराल कहाँ की थी इनकी? मथुरा की। लेकिन क्या हुआ कि आपने सुना होगा, जहां हम अधिक समय व्यतीत करते हैं किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिश्तेदारी में, तो धीरे धीरे वहां हमारा सम्मान घटता चला जाता है। वही परिस्थिति इनके साथ भी हुई, वही घटना बिहारी लाल जी के साथ भी हुई। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे, लेकिन मथुरा में इन्हें उचित सम्मान, यानी ससुराल में इन्हें उचित सम्मान न मिला जैसा कि इनको चाहिए था। तब ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। जब बिहारी लाल इनके दरबार में गए, कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राज काज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे, यानी उनको राज काज की कोई भी चिंता नहीं थी। राज्य का क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या भविष्य होगा, सारी चिंता छोड़कर महल में ही पड़े रहते थे। तब बिहारी ने क्या किया, राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। और जब आप जीवन परिचय लिखें तो इस दोहे को काले पेन से आप जरूर लिखें। क्या दोहा था मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी आपका विकास रुका हुआ है और आप ये क्या कर रहे हैं, इस दोहे का अर्थ है। बहुत ही अच्छी बात इस दोहे के द्वारा समझा दी राजा को। और जब राजा ने इस दोहे को पढ़ा, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। जो उनको भ्रम था, जो उनका मोह माया उनके पास थी, यानी जो वह मोहित हो चुके थे छोटी रानी के प्रेम पास में वह पड़े हुए थे, जैसे ही राजा जयसिंह ने इस दोहे को पढ़ा उनकी आंखें खुल गई। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी के तौर पर मैं आपको जीवन परिचय बता रहा हूँ, समझा कर बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा उद्देश्य है। बाकी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि जो भी जीवन परिचय या जो भी चीज मैं आपको बताऊं, अच्छे से यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा उद्देश्य है। और रटना ना पड़े तो और भी अच्छी बात है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। कौन? राजा जयसिंह। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। ऐसा माना जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी लाल जब कोई दोहा रचते थे, जब दोहा कोई लिखते थे, तो प्रत्येक दोहे की रचना पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी पुरस्कार स्वरूप देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक वास हो गया। आपने देखा संक्षिप्त परिचय से ही पूरा जीवन परिचय लिख दिया गया है कि जन्म कब हुआ, सन 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था बिहारी लाल जी का? ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव। इनके पिता का नाम केशव राय,
चौबे यानी पंडित केशव राय चौबे था। आश्रयदाता राजा कौन थे जिनके आश्रय में रहे बिहारी लाल जी? राजा जयसिंह का दरबार जो कि कन्नौज के राजा थे। शिक्षा इनकी ग्वालियर में हुई थी और रचना इनकी एकमात्र बिहारी ससई जिसमें 719 दोहे हैं और इन्हीं दोहों की वजह से यानी एकमात्र रचना से ही ये रीत काल के महान कवि माने जाते हैं। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, भाषा जिस भाषा में इन्होंने दोहों की रचना की, सभी दोहों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक शैली और मृत्यु कब हो गई? सन 1663 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप नोट्स बना पाएंगे इस वीडियो के द्वारा। वीडियो को अपने उन सभी मित्रों को जरूर एक बार शेयर कर देना जिन्हें इस वीडियो की परम आवश्यकता है, जिन्हें नोट्स की आवश्यकता है, जो 2025 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। ये आपका जो है उद्देश्य होना चाहिए कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो प्रकृति भी हमारी किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करेगी। तो ये आपका, मैं आपको एक जिम्मेदारी देता हूं कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना। फिर इसके बाद आपको बिहारी लाल जी की एक रचना का नाम, बिहारी की, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं सही कर रहा हूँ। बिहारी की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी ससई, जिसमें 719 दोहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी एकमात्र रचना ने बिहारी को रीत काल का महान कलाकार, रीत काल के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर दें, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी नोट्स भी बनाते जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका क्या है ये भी आपको मैं बताता चलूंगा। ये 5 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे जब आप इसी ट्रिक के साथ बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिखते हैं या किसी अन्य कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं। मैंने आपको बताया ही है अन्य लेखक और कवियों का जीवन परिचय का वीडियो चैनल पर मौजूद है। पेपर हिंदी विषय का कैसा आएगा उसका भी वीडियो मौजूद है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।